कैसे आपको मैथमेटिक्स पूरा कराएंगे और कैसे आपको करना है, ठीक है। तो आप सबसे पहले तो आप एक बुक लें मैथ की, जिसके लेखक हैं अजय कुमार अग्रवाल और जो एक्टिव पब्लिकेशन की है, ये है वो बुक, ये एक्टिव पब्लिकेशन की है और इसके लेखक हैं अजय कुमार अग्रवाल। तो इस बुक को आप ले लें और इसी से हम आप लोगों के लिए मैथमेटिक्स कराएंगे, ठीक है। तो अब आप लोगों को ये जानना है कि ये देखिए, कुछ बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हो सकते हैं जो ये जानना चाहते हो कि इस बुक में ऐसा क्या खास है जो एनसीईआरटी वाली में नहीं है। तो देखिए, ये बुक एनसीईआरटी से काफी बेटर है। पहली बात तो इसकी भाषा बहुत ज्यादा आसान है, जो आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगी। दूसरा, इसमें एरर नाम मात्र के रहेंगे, मतलब गलतियां इसमें बुक में नाम मात्र की मिलेंगी, जैसे कि आपकी एनसीईआरटी की बुक में नॉर्मली बहुत ज्यादा गलतियां मिलती हैं। तीसरी बात यह है कि इस बुक में अच्छे खासे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, साथ में बहुत ही ज्यादा आप लोगों के लिए सवाल दे रखे हैं कि एक टाइप का एक सवाल कर लिया, उससे रिलेटेड दो तीन सवाल और हैं। तो आप लोगों के लिए अगर मान लीजिए मैंने एक सवाल बता दिया है, तो दो तीन सवाल और भी रहेंगे जिन पे आप अभ्यास कर सकें। एनसीईआरटी में जबकि ऐसा कुछ खास नहीं रहता कि आप लोगों के लिए कुछ करने के लिए, उसमें एक टाइप का एक या दो सवाल ही रहते हैं। तो ये बुक ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि काफी अच्छी और बेहतर बुक है एनसीईआरटी से, तो आप इसे खरीद लें। और इसके लेखक हैं अजय कुमार अग्रवाल, जो कि काफी प्रसिद्ध अध्यापक हैं और बहुत ही सरल और अच्छी भाषा में ये पुस्तक लिखते हैं। इसके बाद में अब आप लोगों को समझना है कि आपको कैसे करनी है मैथ। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए, मैं आपको समझाता हूँ कि चैप्टर जो आपका फर्स्ट है, जो आपका मैथ का फर्स्ट चैप्टर है, उसमें आपकी पांच एक्सरसाइज है, ठीक है। आपके फर्स्ट चैप्टर में पांच एक्सरसाइज है और आप लोगों के लिए हम हर रोज एक एक्सरसाइज अपलोड किया करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर पहली तारीख को एक, दूसरी तारीख को फिर दूसरी एक्सरसाइज, तीसरी को तीसरी, फिर चौथी और पांचवी, इस तरह से हर रोज एक एक्सरसाइज अपलोड किया करेंगे। आप हर रोज वीडियो देखेंगे, आप जो हमने सवाल कराए हैं उन्हें करेंगे और साथ में आप और भी सवालों को करने का अभ्यास करेंगे। जो सवाल आपको आ जाते हैं बहुत अच्छा है, और जो नहीं आते उन सवालों को आप कमेंट में जाकर के या डिस्क्रिप्शन में हम आपको लिंक दे देंगे, आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो व्हाट्सएप ग्रुप में जाकर के आप लिख देंगे कि क्वेश्चन आपको जो नहीं आया उसका नंबर लिख देंगे। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आपको क्वेश्चन थर्ड नहीं आया, आप क्वेश्चन थर्ड लिख देंगे, या क्वेश्चन सेवन नहीं आया, आप क्वेश्चन सेवन लिख देंगे, बस इतना लिख दीजिए, ठीक है। आप पूरी वीडियो देखेंगे, जैसे कि एक्सरसाइज फर्स्ट हमने अपलोड कर दी, आप उस पूरी वीडियो को देखेंगे, इसके बाद में अपनी बुक में जाएंगे और सवालों को करने का अभ्यास करेंगे। जो सवाल आपको आ जाते हैं बढ़िया बात है, और जो नहीं आते उन्हें आप कमेंट में डाल दीजिए कि ये वाले क्वेश्चन आपको नहीं आए। अगले दिन फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, हर रोज वीडियोस आएंगी आप लोगों की, और पांचों दिन आप हर रोज जो सवाल नहीं आए उन्हें कमेंट में लिख दीजिए। इनकी वीडियोस हम हर रोज बना लिया करेंगे और लास्ट में जाकर के जैसे ही आपका चैप्टर खत्म हुआ करेगा, तो लास्ट वाले दिन हम आपको सिक्स आपकी जो एक्सरसाइज है उसकी वीडियो दे दिया करेंगे कि ये वाली वीडियो है, पूरे चैप्टर की फाइनल वीडियो दे दिया करेंगे, जो भी आपने क्वेश्चंस को पूछा करेंगे। कुछ विद्यार्थी ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें डर हो कि अगर हमारा सिलेबस पूरा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, इसका भी डर रहता है बहुत सारे विद्यार्थियों को। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि आपकी जो फर्स्ट बुक है उसमें 44 एक्सरसाइज हैं और जो सेकंड बुक है उसमें आपकी सेकंड 70 एक्सरसाइज है। इसमें लगभग 6 चैप्टर हैं और इसमें लगभग 7 चैप्टर हैं। तो ओवरऑल 6 चैप्टर में 44 आपकी एक्सरसाइज हैं और 7 चैप्टर में 70 एक्सरसाइज हैं। और क्योंकि ये 13 चैप्टर हो गए तो 13 वीडियो हम अलग से डालेंगे, जो आपके क्वेश्चन या डाउट वगैरह रह जाएंगे, और जो दो चार अलग से रहेंगे वो अलग हैं, उन्हें अभी घंटे नहीं है। तो 4 और 3 7, और ये आपकी ओवरऑल 127 वीडियो हो जाती है। 127 वीडियो में हम आपका पूरा का पूरा मैथ खत्म कर देंगे, और क्योंकि एक वीडियो हर रोज पढ़ा करेगी तो आपकी 127 दिन में खत्म हो जाएगी पूरी की पूरी मैथ। किसी दिन ऐसा भी हो सकता है कि दो एक्सरसाइज भी डाल दें, आपकी देख करके कभी छुट्टियां वगैरह पड़ती हैं उस हिसाब से कभी कभी दो एक्सरसाइज भी डाल दिया जाएंगे, ठीक है। अब इसे हम शुरू कब से करने वाले हैं ये भी जरूरी है, सबसे जरूरी चीज यही है। तो हम इसे शुरू करेंगे आपका 1 अगस्त से। 1 अगस्त से हम रेगुलर आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड करना शुरू करेंगे। आज जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूं तो तारीख है 24 जुलाई और आज से ही हमने मैथ बनाना शुरू कर दिया है।
हर रोज हम लगभग अगले 7 या 8 दिन हर रोज वीडियो बनाएंगे और लगभग 15 से 20 वीडियो बड़े आराम से हम बना लेंगे और उन्हें अपने पास रख लेंगे और 1 अगस्त से अपलोड करना शुरू करेंगे। एक्स्ट्रा वीडियोस पहले से इसलिए बना के रख रहे हैं और आप लोगों के लिए साथ ही साथ अपलोड इसलिए नहीं कर रहे ताकि कुछ एक्स्ट्रा वीडियोस रहें, तो उससे ये होगा कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वीडियो नई नई बन पाती है, तो उस कंडीशन में आप लोगों के लिए हम जो एक्स्ट्रा रहेंगे उनमें से दे दिया करेंगे। ठीक है, तो इससे आप लोगों का जो मैथ है वो फ्लो बिगड़ेगा नहीं, हर रोज मैथ का फ्लो चलता रहेगा। ठीक है, और 1 अगस्त से पहले मैं आपको टाइमिंग भी बता दूंगा कि किस टाइम पे हम मैथ के लिए वीडियो अपलोड किया करेंगे। ठीक है, तो इससे आप लोगों के लिए एक रेगुलर इस क्लास जैसा हो जाया करेगा, तब आप उसी टाइम पे उस वीडियो को प्ले करके देख लिया करेंगे, तो इससे काफी आसानी रहेगी और आप लोगों के लिए अच्छा हो जाएगा। आप लोगों को घबराने की जरूरत है नहीं, 127 एक्सरसाइज ओवरऑल बनती है हमारी, 127 वीडियोस बनती हैं जिन्हें हम लगभग लास्ट 5 दिसंबर तक खत्म कर देंगे, और 5 दिसंबर नहीं तो ज्यादा से ज्यादा अगर कठिन भी हुआ तो 10 दिसंबर, 10 दिसंबर से आगे नहीं जाएंगे, इससे पहले ही कर देंगे, बल्कि कुछ वीडियोस और ज्यादा ज्यादा अपलोड करके कभी ये लगेगा कि छोटी एक्सरसाइज है तो 2-3 एक्सरसाइज भी कर दिया करेंगे। ठीक है, तो उससे जल्दी खत्म करेंगे क्योंकि दिसंबर और जनवरी हम आपके टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए बचा के रखेंगे जो फरवरी से शुरू होंगे, तो ये सारी डिटेल है। साथ में हम जल्द ही शुरू करने वाले हैं क्लास 10th की साइंस इस मंडे से हम अपलोड करना शुरू करेंगे और उसमें एक बार में पूरा कंप्लीट एक चैप्टर करवा दिया करेंगे क्योंकि उन लोगों का ज्यादा लंबा होता नहीं है, तो आपके छोटे भाई बहन हो या पड़ोसी हो या जो भी हो आप उन सभी को बता दें। साथ ही 1 अगस्त से हम जो मैथ शुरू करने वाले हैं इसके लिए भी आप सभी को बता दें, बुक्स को खरीद लें। ठीक है, आप सभी लोगों को बता दें कि हम 1 अगस्त से शुरू करने वाले हैं। अब इसमें कुछ ऐसे भी विद्यार्थी हो सकते हैं जो बुक ना खरीदना चाहें, तो उनके लिए काम किया करेंगे हम कि ये जो फोटो है एक्सरसाइज का फोटो खींच करके हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दिया करेंगे, तो आप लोग वहां से कर लिया करेंगे। अगर बहुत सारे हैं जो नहीं चाहते खरीदना तो उनके लिए ये भी सॉल्यूशन है, तो ये सभी के लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो क्लास 12th की आपकी मैथ और 10th की साइंस हम शुरू करने वाले हैं 1 तारीख से ही, चलिए दोनों को 1 तारीख से शुरू करते हैं। ठीक है, तो 1 तारीख से शुरू करने वाले हैं, आप अपने पड़ोसियों या भाई बहन या दोस्त जो हो उन सभी को बता।